आगे सर में क्यों दर्द हो रहा है तुम्हारे? हाँ वो अनुषा के घर गया था ना ताजियत के लिए, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, चाय नहीं मिली इसलिए शायद सर में दर्द हो गया। तुम बस मंगनी और ताजियत के फंक्शन अटेंड करते रहना। ताजियत कोई फंक्शन नहीं होता मानूर। मुझे तो अब अपने मरने का दिन भी एक फंक्शन ही महसूस होगा। कम से कम 4 लोग जमा तो हो जाएंगे, वरना मेरे नसीब में कहाँ है कि मेरी खुशी में कोई जमा हो जाए। तो क्या बात कर रही हो मानूर? उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है, ना उम्मीदी मौत है। तो तुम चाहते हो कि मैं उम्मीद पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं और तुम पर जो जिम्मेदारी आई है उससे तुम्हारी जान छूट जाए? जान छुड़ाने वालों में से नहीं हूं मैं, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी अज़ियत और तकलीफ के बारे में जानती हूँ, दिन रात होने वाली जिल्लत के बारे में जानती हूँ जो तुम्हारी खाला मेरी करती है। वो तुम्हारी माँ भी? वो सिर्फ तुम्हारी खाला है, मेरी माँ तो कब की कहीं चली गई, अब तो ढूंढती भी नहीं हूँ। उनकी भी तो बेटी खोई है, दुख तो उनको भी है तुम्हारे बराबर का। ये लीजिए अब्बा, हादी साहब का एड्रेस नोट कर लीजिए। भेज दिया उसने? उन्होंने तो कब का भेज दिया था, मैं देना भूल गई थी। वैसे अब्बा क्या जरूरत है आपको इतनी मुशक्कत की? जिन लोगों को आप फोन पे इनवाइट कर सकते हैं उनको कार्ड देने के लिए जाने की क्या जरूरत है? बिला वजह थकन होगी आपको। हादी के लिए कह रही हो ना? मैं उन सब की बात कर रही हूँ जो आपके फोन पे कहने से आ जाएंगे। आ तो जाएंगे बेटा, लेकिन क्या सोचेंगे, हमारे दिल में उनकी ये इज्जत है। वो ऐसा सोचे ना सोचे लेकिन आप जरूर सोचेंगे, और ये बात तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आदि साहब के जहन में ऐसी कोई बात नहीं आएगी। इसलिए ना कि वो बहुत अच्छा है, तो दर हकीकत वो इस बात का हकदार है कि मैं खुद उसे कार्ड देने जाऊं और इस बात का एहसास दिलाऊं कि हमारे दिल में उसकी कितनी इज्जत है और उसकी शिरकत हमारे लिए कितनी अहम। ये लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूं।